जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप मेरी जो एलपीजी गैस से चलने वाली बाइक का वीडियो काफ़ी देखा होगा मैंने, क्योंकि उसकी काफ़ी वीडियो मैंने यूट्यूब पर मैंने डाल रखे हैं। यदि आपको उसकी वीडियो और देखनी है तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आज मैं एलपीजी से कैसे बाइक चलती है, आज उसकी को किट कैसे लगी होती है, इसका एलपीजी सिलेंडर कैसा होता है, आज इसकी काफ़ी जानकारी मैं आज आपको अपने वीडियो में दिखाऊंगा। कि एलपीजी किट काफ़ी लोगों ने मेरे को कमेंट में पूछा था कि आप अपनी जो किट है इसमें क्या लगता है, क्या सिस्टम है, वो सब कुछ आप हमें अपनी वीडियो में दिखाइए। तो आज की वीडियो में आपको ये सब कुछ दिखाऊँगा, आप मेरी वीडियो में बने रहें। यदि जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और यदि आपकी कोई राय या कुछ सुझाव है तो आप मेरे को कमेंट में दे सकते हैं। जैसा कि दोस्तों ये मेरा रेगुलेटर है, यहाँ पर मेरी एलपीजी गैस की टंकी रखी रहती है इस जगह पर, और ये रेगुलेटर की जो नली है वो मेरी यहाँ से साइड से निकल के और डिग्गी में इस साइड से घुस के इस वेपोराइजर में जाती है। मैं आपको बता दूँ ये इस वेपोराइजर का काम है, ये एक तरह से आप ये मान सकते हो ये गाड़ी का कार्बोरेटर है, यानी कि एलपीजी कार्बोरेटर है। ये यहीं से यहाँ से आपका इसका माइलेज सेट किया जाता है, इन इस पिन से इससे माइलेज सेट किया जाता है, इससे मिक्सर सेट किया जाता है। इसके अंदर है ना, आपको मैं बता दूँ इनलेट की एक नली होती है, ये इनलेट की नली है जिससे ये एलपीजी गैस लेता है। और आउटलेट में ना दोस्तों मैं आपको बता दूँ दो नलियाँ होती हैं, एक नली तो ये होती है, एक नली तो ये होती है आउटलेट की, ये है अपने जो मेन इंजन के लिए जो गैस डालेगा वो, और दूसरी जो इसकी जो नली है वो मैं आपको बता दूं ये है अपनी ब्लैक वाली जो आपको दिख रही है, ब्लैक वाली ये भी इसकी ये आउटलेट नहीं है। दरअसल आउटलेट तो ये है, ये जो इंजन से जो बैक जो रिवर्स में जो गैस बचती है वो उस गैस को ये यहाँ से खींचता है। मैं आपको बता दूँ ये यहाँ लगती है, जो अपनी सेकंड वाली जो नली है वो इस जगह पर इस पॉइंट पे आके लगती है, टी पॉइंट पे आके, जो ये टी पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर, और ये जो कि अपने आउटलेट है ये वाली जो नली है ये लगती है अपने आउटलेट की। कार्बोरेटर से जो पीछे अपना एयर फिल्टर का जो पाइप होता है उसमें लगाई जाती है, मैं आपको बता दूं, और दूसरी नली यहाँ पे लगाई जाती है। तो इस तरीके से ये अपना कार्बोरेटर लगाया जाता है, और कार्बोरेटर ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा ही होता है। तकरीबन इसकी आप मोटाई 4 इंच मान सकते हो, ये इसकी जो मोटाई है ये 4 इंच की है, वो चौड़ाई इसकी 4 इंच की है, और मोटाई तकरीबन इसकी पौने दो इंच इसकी मोटाई है। और यदि आपको चौक देना है तो आप चौक बीच में पिन डाल के, अगर आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रही है तो आप चौक डाल के आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और यूरो स्टार कंपनी का ये वेपोराइजर है, मैं आपको बता दूं ये जो कंपनी का नाम है, इस कंपनी का नाम है यूरो स्टार कंपनी का ये वेपोराइजर, काफ़ी अच्छा है। और हालांकि इसमें सर्विस के लिए ऐसा कुछ है नहीं, कोई मेथड ज़्यादा ख़राब भी नहीं होते, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये वेपोराइज़र चलते हैं। तो एवरेज वगैरह सेट करने के लिए इन दो चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और कभी भी अगर आपको इसका चौक लगाना है तो इस तरीके से आप पिन दबा के इसकी चौक लगा सकते हैं, जैसे अपने पेट्रोल के लिए चौक लगाते हैं, तो इस तरीके से एलपीजी का भी चौक इस तरीके से लगाया जाता है, मैं आपको बता दूँ। और माइलेज की बात की जाए तो ये तकरीबन 130 का माइलेज निकाल देती है 1 kg गैस के अंदर। और इसकी जो एलपीजी की टंकी कैसी होती है ये भी मैं आपको अपने वीडियो में दिखाऊंगा, तो आप बने रहें, क्योंकि मैंने टंकी इसकी निकाल दी है, क्योंकि इसमें क्या एक प्रॉब्लम हो गई है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ प्रॉब्लम ये हो गई है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ इसमें गैस लीक हो रही है, इसकी बाल कट गया इसका, देखो आपको पानी के बुलबुले दिख रहे होंगे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैंने बाहर चेक करने के लिए बाहर निकाल दी है। और ये इसमें प्रेशर मीटर लगा हुआ है, जो कि इससे ये मालूम चल जाता है कि इसके अंदर गैस है या नहीं है, क्योंकि हम गैस को ना हम हिला के तो देख नहीं सकते पेट्रोल की तरह, तो इसलिए मीटर का लगना ज़रूरी है, तो इससे हमको मालूम पता रहता है कि इसके अंदर गैस है या नहीं। ये जो टंकी दिख रही है ये टंकी 2.5 kg की टंकी है, मैं आपको बता दूँ इसके अंदर 2.5 किलो गैस आ जाती है पूरी टंकी के अंदर। और ये बाइक की डिग्गी में आराम से रख के
और आप अपनी बाइक को चला सकते हैं। और ऐसा नहीं दोस्तों कि आप अपनी बाइक को सिर्फ गैस पे कर दिया तो गैस पे चला सकते हैं, आप पेट्रोल पे भी चला सकते हैं। आपकी बाइक हाइब्रिड हो जाएगी, यानी कि आप दोनों फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आप करना चाहते हो तो। इमरजेंसी के लिए आप पेट्रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आपको मेरी बाइक एलपीजी से चलने वाली कैसी लगी आप मेरे को ज़रूर बताना। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ अपने नए टॉपिक और नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।